सो गाइस, मेरे होटल से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है त्रिवेणी घाट, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। लेकिन उसके बाजू में ये जो देख रहे हो ना, ये है चंद्रभागा नदी। ये गर्मियों में सूख जाती है पूरी तरह, और इसका जो दिशा है वो दूसरी तरह से निकलती है। तो ये वाले तो पूरा पोर्शन सूखा हुआ है। यहाँ से और 500 मीटर डिस्टेंस पे त्रिवेणी घाट, वहाँ पर गंगा आरती आज मिलेगी हमें। चलो चलते हैं, वहीं पर मिलते हैं अभी आपको डायरेक्ट। एक डॉग मिला, उसको ये स्टिक खिलाई। एक्चुअली मेरे घर में भी एक डॉग है ऑनिक्स करके, तो एक मैं कैरी करता हूँ, कभी भी खिलाता हूँ उनको पेडिग्रिया। ये डॉग के लिए ट्रीट है, लेके भाग गया। चलो चलते त्रिवेणी संगम। फाइनली पहुँच गए त्रिवेणी घाट। ये रहा सामने शिव जी और गंगा रिवर, यहाँ पर आरती होती है। चलो जाते हैं अंदर। सो गाइज, ये रहा त्रिवेणी घाट। यहाँ पर सामने आरती होती है, अगर आगे के आगे आरती होती है, वहाँ पर पंडित जी खड़े होकर आरती करते हैं। और उसके पीछे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाली सीट चाहिए तो आपको वहाँ पर दान करना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा कि 350 रुपीज़ है, लेकिन कोई कहता है कि आपके हिसाब से आप कितना भी कर सकते हो, 100-200 रुपीज़ अगर आपको आगे की सीट चाहिए तो, और या फिर उसके पीछे आप बैठ सकते हो बिना फीस के। और यहाँ से भी आपको आरती दिख जाएगी वैसे, तो कोई बात नहीं है, मैं यहीं से देखूँगा। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ त्रिवेणी घाट। सो गाइस, ऐसे कहा जाता है कि किसी की अस्थियाँ यहाँ पर बिताई जाती है, और आखिरी जो पूजा होती है उनकी श्राद्ध, वो भी यहाँ पर किए करने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया। तो ये पवित्र स्थान माना जाता है आखिरी विधि करने के लिए उनके, और मरने के बाद जो आखिरी विधि होती है यहाँ पर करते लोग, एंड यहाँ पर पूजा भी होती है। काफ़ी फेमस है यहाँ की आरती। शाम को हम लोग देखते हैं, अभी गंगा आरती शुरू होगी कुछ ही समय में, तो जाकर देखते हैं। गंगा में पैर डालते। हेलो, तुझे क्या करने के लिए? पानी बहुत ठंडा है गाइस। Sadhguru, 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 Sadhguru,
तो गाइस गंगा आरती हो चुकी है एंड अभी मैं जा रहा हूँ होटल पर। तो आज जल्दी सोना है, कल भी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि कल जल्दी निकलना है 3:30 बजे, तो बस स्टैंड पहुँचना पड़ेगा ऋषिकेश। तो चलो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको।